हाँ तो दोस्तों, आज हम लोग सीखेंगे कि फेस स्मथिंग कैसे करते हैं, फेस रिटचिंग कैसे किया जाता है। तो आप भी फेस रिटचिंग सीखना चाहते हैं तो वीडियो में बने रहे, वीडियो को स्किप ना करें। आज मैं आप लोग को स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि पोस्टर एडिटिंग के लिए फेस स्मूथ कैसे किया जाता है और कैसे लाइट एडजस्ट किया जाता है, कलर करेक्शन कैसे किया जाता है। तो ये सारे डिटेल मैं आप लोग को स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, तो वीडियो में बने रहे, वीडियो को स्किप ना करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एनी टाइम रिसर्च में। टेक्नोलॉजी तथा ग्राफिक डिजाइनिंग से रिलेटेड वीडियो हमेशा देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे नए नए वीडियो का अपडेट आप तक पहुंचे सबसे पहले। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाँ तो दोस्तों, मैं अपने फोटोशॉप को ओपन कर लिया हूँ और यहाँ पर फोटो ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहा हूँ। तो ये देखिए, जिस फोटो को एडिट करना है वो फोटो हमारा खुल चुका है फोटोशॉप में। तो सबसे पहले मैं इसे लाइट एडजस्ट करूँगा, तो कंट्रोल प्लस एल दबाना है, उसके बाद थोड़ा सा लेवल को बढ़ा देना है। उसके बाद ओके कर देना है। उसके बाद यहाँ पर मैं फेस रिटचिंग का प्लगइन, बहुत सारा हमारे सिस्टम में इंस्टॉल है, तो यदि किसी को भी चाहिए तो हमें व्हाट्सअप करें। व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या फिर कमेंट करके बताएं। तो यहाँ पर मैं फेस रिटचिंग प्लगइन पर क्लिक कर लिया हूँ और ये देखिए हमारा दूसरा लेयर बन चुका है। तो यहाँ पर ऑटोमेटिक ब्रश टूल ओपन हो जाएगा, तो यहाँ पर मैं थोड़ा ब्रश टूल का ओपेसिटी और फ्लो बढ़ा देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर माउस के राइट बटन प्रेस करके यहाँ पर मूव करूँगा, तो ये देखिए हमारा फेस स्मूथ होते जा रहा है। तो इस प्रकार आप किसी भी फोटो का फेस स्मूथ कर सकते हैं। तो बिल्कुल बारीकी से करना है और धीरे धीरे करना है, जल्दबाजी नहीं करना है। जल्दबाजी करने में आपका फोटो ख़राब हो सकता है, तो बहुत सावधानी से आपको फेस रिटचिंग करना है। तो मैं वीडियो थोड़ा फास्ट कर देता हूँ ताकि आप लोग का ज़्यादा समय बर्बाद ना हो इस वीडियो में। Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands.
तो बिल्कुल सावधानी से करें। तो ये देखिए हमारा फेस रिटचिंग कंप्लीट हो चुका है। तो फर्स्ट स्टेप में हमने कंप्लीट कर लिया है। तो उसके बाद जहाँ जहाँ फेस में हेयर मिट गया है, स्मूथ हो गया है, तो वो लाइट कर रहा है, तो उसे मैं दिखाने के लिए यहाँ पर इरेजर टूल लूँगा। उसके बाद मैं थोड़ा सा साइज को छोटा कर लूँगा और उसके बाद यहाँ पर हेयर के जहाँ जहाँ दाग दिख रहे हैं माउस का लेफ्ट बटन दबा करके उसके ऊपर में चलाना है, तो ये हेयर ऑटोमेटिक दिख जाएगा। उसके बाद जहाँ जहाँ भी आप लोग को प्रॉब्लम लगे तो उसे करेक्शन कर लेना है। ये देखिए यहाँ पर नाक के पास यहाँ पर लाइट ज़्यादा कर रहा था, तो मैं यहाँ पर इरेजर टूल लेकर के थोड़ा सा इसमें ऑपेसिटी कम करके यहाँ पर थोड़ा सा इरेज कर दिया हूँ, तो यहाँ पर मेरा ठीक हो चुका है। तो आपके फोटो के अनुसार जहाँ पर भी प्रॉब्लम लगे तो वहाँ पर ठीक कर सकते हैं। उसके बाद मैं सेकेंड स्टेप कैमरा रो ओपन करूँगा। तो कैमरा रो ओपन करने के लिए आपको कीबोर्ड में प्रेस करना है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ए। उसके बाद यहाँ पर कैमरा रो ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर क्लियरिटी को हल्का सा बढ़ा देना है, उसके बाद टेक्सचर को 100% कर देना है। तो इस कैमरा रो फिल्टर को एडजस्ट करने के लिए ध्यान से देखें ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। शेडो को भी थोड़ा सा बढ़ा देना है, उसके बाद कंट्रास्ट मैं थोड़ा सा बढ़ा दूंगा। उसके बाद वाइट को थोड़ा सा बढ़ा कर देखता हूँ, हाईलाइट भी बढ़ा देता हूँ थोड़ा। वाइब्रेंस को बढ़ा देता हूँ। उसके बाद शार्पनिंग को थोड़ा सा बढ़ाना है, उसके बाद नॉइज रिडक्शन को बढ़ा देना है। उसके बाद यहाँ आते हैं कलर करेक्शन में, तो ऑरेंज कलर को थोड़ा हल्का सा डाउन करना है, उसके बाद वही येलो को डाउन करना है। Finding life along the way.
तो इस प्रकार आप भी अपना फ़ोटो रिटच कर सकते हैं, आप फेस स्मूथ कर सकते हैं और लाइट डाल सकते हैं, कलर करेक्शन कर सकते हैं। तो इसी तरह का ग्राफिक डिज़ाइनिंग और फोटो एडिटिंग से रिलेटेड वीडियो या फिर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो हमेशा देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि हमारे नए नए वीडियो का अपडेट आप तक पहुंचे सबसे पहले। तो किसी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमें व्हाट्सएप में कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। हाँ तो दोस्तों, इसी प्रकार टेक्नोलॉजी और ग्राफिक डिजाइनिंग से जुड़ी वीडियो हमेशा देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।